नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी के आसपास बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जो कि अगर देखे जाएं वास्तुशास्त्र के अनुसार तो काफ़ी लकी पौधों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये पौधे हमें पॉजिटिविटी प्रदान करते हैं। धन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड हमारी तमाम समस्याओं को दूर करने में ये पौधे हमारी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे ही शुभ पौधों को शेयर करूंगी वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा, जो कि मान्यताओं के अनुसार भी काफ़ी शुभ है, तो ये तुलसी का पौधा है। फ्रेंड्स, तुलसी का पौधा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काफ़ी शुभ पौधा माना गया है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी को लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। इसके साथ ही साथ तुलसी जी का आयुर्वेद में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। इस पौधे को अगर घर में लगाया जाता है तो घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर शास्त्रों की माने तो ऐसा कहा गया है कि इस पौधे को, यानी कि तुलसी जी के पौधे को लगाने से जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो घर के अंदर नहीं आने पाती हैं। इसलिए सभी को अपने घर में तुलसी जी को ज़रूर स्थान देना चाहिए। चलिए दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं स्नेक प्लांट की। तो स्नेक प्लांट भी वास्तु के हिसाब से काफ़ी शुभ पौधा होता है। ये इंडोर प्लांट्स होने के साथ साथ एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर का भी अच्छी तरीके से काम करता है। 24 घंटे घर के अंदर जो जहरीली हवाएं होती हैं उनको ये अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और बदले में हमको प्योर ऑक्सीजन गैस देता है। सबसे अच्छी बात स्नेक प्लांट की ये होती है कि इस पौधे की आप एक पत्ती से नया पौधा बना सकते हैं। उसको कटिंग करके आप छोटे छोटे कई नए पौधे तैयार कर सकते हैं, या फिर उस पत्ती को आप गिलास में अगर पानी में डिप कर देते हैं तो उसमें से रूट निकल आती है। इसके बाद अगला पौधा हमारा लकी बाम्बू का पौधा है। वास्तु के अनुसार घर के अंदर के लिए ये पौधा काफ़ी शुभ पौधा माना गया है। जैसा कि यह पौधा अपने नाम से ही शो कर रहा है कि लकी है, तो वास्तव में यह पौधा फ्रेंड्स काफ़ी लकी पौधा घर के लिए होता है और ये एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर का भी काम करता है। इस पौधे को मिट्टी में भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है और पानी में भी इस प्लांट को आसानी से घर में लगाया जा सकता है। इस प्लांट को घर में लगाने से ये प्लांट गुड लक लेकर घर में आता है, इसलिए सभी को अपने घर में इस प्लांट को भी जगह ज़रूर देनी चाहिए। अगला शुभ पौधा हमारा वास्तु के हिसाब से जेट प्लांट है, जिसे कि कुबेर के पौधे के नाम से भी लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, वास्तु के अनुसार जेट प्लांट को घर में लगाने से वास्तु दोष जो होते हैं वो सारे हट जाते हैं। साथ ही साथ अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो ये पौधा उस प्रॉब्लम को भी दूर कर देता है। इसलिए जेट प्लांट चाहे घर हो या फिर बिजनेस हो, दोनों के लिए काफ़ी लकी पौधा माना गया है। इस पौधे को भी कटिंग से और लीफ के द्वारा बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अगला प्लांट हमारा रबड़ प्लांट है। ये पौधा भी वास्तु के हिसाब से काफ़ी शुभ पौधों में आता है और फ्रेंड्स, इसको भी हर किसी को अपने घर में लगाना चाहिए। ये पौधा अपनी खूबसूरत पत्तियों की वजह से पहचाना जाता है और इस पौधे की पत्तियां बड़ी बड़ी होती हैं, जिनको कि अच्छे तरीके से साफ़ करते रहना चाहिए, तो पत्तियों पर काफ़ी शाइनिंग बनी रहती है। बहुत लो मेंटेनेंस वाला ये पौधा है, इसलिए हर किसी को अपने घर में इस शुभ पौधे को भी जगह देनी चाहिए। अगला पौधा हमारा पीस लिली का है, जिसे कि वाइट लिली के नाम से भी सभी लोग जानते हैं। फ्रेंड्स, इस प्लांट को भी वास्तु के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा शुभ पौधा माना गया है। इसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं जो कि मन को शांत बनाए रखते हैं, जिसके कारण घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस वजह से इस पौधे को भी अपने घर में लगाना चाहिए, जिससे मन की शांति बनी रहे। साथ ही साथ इस पौधे की ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती है, बहुत कम केयर में ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। अगला और लास्ट पौधा हमारा मनी प्लांट का है। जैसा कि इस पौधे के नाम से ही पता चल रहा है कि ये धन का पौधा है और वास्तु के हिसाब से भी इस प्लांट को पैसा देने वाला पौधा ही कहा गया है। मनी प्लांट को कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, इसकी वाइन को नीचे की तरफ झुका के नहीं बढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि नीचे की तरफ अगर मनी प्लांट बढ़ता है तो घर में आर्थिक परेशानी पैदा हो सकती है।
इसलिए मनी प्लांट के पौधे की वाइन को हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ाना चाहिए, जिससे कि घर में सुख और शांति बनी रहे। मनी प्लांट को लगाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, पानी में और मिट्टी में इसको बहुत आसानी से कभी भी किसी भी समय लगाया जा सकता है। तो ये थे 5 ऐसे लकी पौधे जो कि वास्तु के हिसाब से काफ़ी शुभ पौधों में माने जाते हैं। तो आप भी इन पौधों को अपने बगीचे में और घर में ऐड कर सकते हैं।